अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप लोग कैसे हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चने की दाल और गोश्त की रेसिपी। हमारे घर में अपने तरीके से बनती है, मैं जिस तरीके से बनाती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आराम से पहुंच सके। तो चलिए रेसिपी का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 2 टेबल स्पून घी या ऑयल जो आप खाते हैं वो ले लिया। आधा घी हम अभी डालेंगे और आधा घी बाद में पका के भी रखा, इसलिए घी थोड़ा कम डालें। अब इसमें हम 2 मीडियम कटी प्याज डालेंगे, गोल्डन ऑयल प्याज चूल्हे पे हम फ्राई करते हैं। ये 2 मीडियम प्याज है और 2 टेबल स्पून घी मिला लिया हमने। बाद में हम आखिर में इसको फिर बघार देंगे, तो इसलिए लिहाजा इसलिए हमने घी थोड़ा कम डाला है। प्याज हो गया, अब हम इसमें 1/2 किलो के करीब गोश्त था जो हमने धो कर रखा हुआ था, गोश्त का पानी खुश्क होने से हम लहसुन अदरक डालेंगे। ये गोश्त अपना पानी छोड़ा हुआ, मीडियम प्याज 2 टेबल स्पून ऑयल में फ्राई करके इसे हमने आधे किलो के करीब तेल डाल दिया। ये बोलने से अगर आप चाहें तो बोन वाले की जगह तो उसमें ज़्यादा तेल लगभग 2 टेबल स्पून पानी चाहिए। लहसुन अदरक का पेस्ट भूनेंगे ताकि गोश्त की भी खत्म हो जाए। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून ऐसे भर के नमक और 1 टी स्पून ही धनिया पाउडर। इसमें हमने अभी शामिल किया है 2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टी स्पून सॉल्ट। सॉल्ट आपकी मर्जी पे है कि आप जैसा डाल खाते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और मिर्च भी आपके टेस्ट के मुताबिक होनी चाहिए कि आप जितनी खाना पसंद करते हैं। अब हम इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब टमाटर लेंगे और कटिंग करके शामिल कर देंगे। 1 पाव टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें हमने कटिंग करके डाल देंगे। इस मौके पर हम इसलिए 1 कप पानी डालेंगे। मैंने कुकर में बनाया है क्योंकि पहले से बॉयल गोश्त नहीं है तो गोश्त गलने में टाइम लगता है, तो इस वजह से आप भी कुकर में बना लेंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। कुकर को हम बंद करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, और ये 3 से 4 मिनट जो है वो सीटी का जो बजने का मल है उसका है, उससे पहले को आप शामिल नहीं करेंगे। 3 से 4 मिनट सीटी बजेंगे। 4 मिनट बाद हमने खोला, टमाटर भी तकरीबन गले हुए हैं, इसको
अब हमें थोड़ा भूनेंगे ताकि टमाटर और प्याज और तमाम मसाले अच्छी तरह बारीक हो जाए। और हमें से अच्छी तरह वैसे तो तमाम मसाले लेके गले भी लगे, लेकिन हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि तमाम मसाले बिल्कुल बारीक हो जाए, टमाटर बिल्कुल बारीक हो जाए, गोश्त भी तकरीबन गला हुआ ही लग रहा है। स्टिक डाल के देखेंगे, गोश्त में थोड़ी कसर है तो हम दोबारा पानी डाल के बराबर करेंगे, लेकिन टमाटर और हरी मिर्ची प्याज मसाले तमाम गल चुके हैं, जिन्हें हम अच्छी तरह भूनेंगे और उनका घी अलग होगा। अब हम इसमें तकरीबन एक गिलास पानी शामिल करेंगे जो कि गोश्त को गलाने के लिए होगा, और गोश्त के लिए हम 3 से 4 मिनट फिर कुकर को बंद करेंगे। तकरीबन ये 3 से 4 मिनट इसकी सीटी बजेगी तो गोश्त बिल्कुल गल जाएगा। फिर हम उतार के इसमें चने की दाल डालेंगे, बघार तैयार करेंगे और तमाम सूखे और गरम मसाले धनिया वगैरह। ये गोश्त भी गल चुका है और तमाम मसाले भी गल चुके हैं। इस मोमेंट पे हमने तकरीबन 1.5 पाव चने की दाल 1 घंटा भिगो के सादे पानी में नमक डाल के बॉईल कर दी है। अब हम ये बॉईल दाल इसमें शामिल करेंगे। हम ये बॉईल कर दी थी सादे पानी से, हमने नमक डाल के सिर्फ 1.5 पाव के करीब दाल, अब हम ये शामिल करेंगे। ये दाल तकरीबन गली हुई है, दाल भी गल चुकी है, गोश्त भी गल चुका है। हम तकरीबन 1/2 गिलास पानी शामिल करेंगे ताकि इतना गले के इतना बॉयल हो के दाल में तमाम मसाले लग जाएं। ये भी तैयार हो चुका है, अब हम इसको बंद कर रहे हैं चूल्हे को और जो हम बघार तैयार करके डालेंगे। अब हम बघार की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि पहले घी कम डाला था, 2 टेबलस्पून के करीब घी बघार डालेंगे। प्याज लाल की 1 मीडियम छोटी प्याज ले ली हमने, अब शामिल करनी है। इसमें हमने 3 से 4 पत्ते कड़ी पत्ते के डाल दिए। आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाल, चने की दाल गोश्त तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।